आपको कभी किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो भाई बिना सोचे समझे कर देना, और रात को जो जो हुआ अंदर चल के ही दिखाता हूँ आपको। आपके जब पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है तो आप प्लीज़ उस स्टैंप को ज़रूर चेक कर लें, ज़रूर से ज़रूर, कि उसकी डेट सही है और वो स्टैंप लगी भी है या नहीं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनकी और हमारी करेंसी में। गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम जी। सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे का और हम खड़े हैं इस वक्त जेनेमा शहर में, सियेरा लियोन के, जो कि पड़ता है बॉर्डर पे लाइबेरिया के, ठीक है। और हम यहां से बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। पहले तो भाई ये देखो, ये कार बदल दी गई, पहले दूसरी कार में हमें ले जा रहा था, फिर ले गया इस कार में, कहता भाई इसके फालतू पैसे दे दो क्योंकि ये कार अच्छी है। मैंने बोला, मैंने कहा ये कौन सी मर्सिडीज़ है भाई, और तुम अभी से ही चीटिंग करने लग गए, तुम मेरे पैसे वापस दो, मैं तो यहीं रात को रुकूंगा भो में और मैं सुबह देखूंगा, अब तुम मेरे पैसे वापस दो। तो फिर कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जा, कोई नहीं, तू ऑलरेडी 2 के पैसे पे कर रहा है। तो हमने 2 सीटें ली थी आगे की, ये 6 लोग बिठाते हैं टैक्सी में, 4 पीछे और 2 आगे। लेकिन अगर आप भी कभी आ रहे हैं तो 2 सीट आगे की ले लेना, क्योंकि एक आदमी का ही बैठना मुश्किल हो रहा था, 2 कैसे बैठेंगे वो समझ नहीं आया। तो 2 सीट हमेशा भाई ले लेना आप। और सामान की हालत देखो, इन्होंने सूटकेस बांध दिया, रात को मैंने पूछा बारिश वगैरह, कहता कुछ नहीं होगा, सेफ़ है। उसके बाद भी ये चलने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि सवारियाँ 3 मिली थी मेरे अलावा, तो 2 हमने सीट दे दी थी, 3 और 1 ने आना था, 1 का वेट होता रहा। और रात को ये आपस में थोड़ा सा लड़ने झगड़ने भी लग गए टैक्सी के वहाँ पर, क्योंकि सारे शराब पीने लग गए थे सारे। और ये लेडीज़ थी 3, 3ों में से एक लेडीज़ आई, कहती है आप पे कर दो, हम आपको वहाँ पर दे देंगे, मतलब जाके लाइबेरिया में पैसे, तो आप अभी हमारे पे कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो माहौल रात का ख़राब होता जा रहा है और पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, 4थी सवारी नहीं आएगी, ये तब तक चलाएगा नहीं। तो मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, और जब जाके देखा तो उनके साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, एक बहन का, तो बच्चा देख के यार फिर तो खैर वो हो गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बताने की बातें नहीं है कि आप किसी की मदद कर रहे हो और बता रहे हो, लेकिन हम ट्रैवलिंग में रोज़ नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं, और ये भी एक्सपीरियंस है, और ये भी चीज़ है कि आपको कभी किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो भाई बिना सोचे समझे कर देना। और ख़ास करके ये जेन्युइन मदद, जो इस तरह की कोई फंसा हुआ है और उनके पास पैसे नहीं थे, तो आप कर दो, क्योंकि ना मैंने इस टूर में ही देखा, आप हम साथ थे, लोग मिलते चले गए, आगे से आगे हमारे को लोग मिलते गए, उन्होंने हमारी मदद की, तो हमें किसी की मदद करने का मौका मिला, भगवान ने दिया, तो कभी भी मत चूकना, भगवान अपने आप उसका हिसाब आपको दे देंगे। तो खैर जेनेमा के लिए हम चले वहाँ से रात को 10 बजे और हम यहाँ पर पहुँचे लगभग 12:30 बजे। और अगर आप भी ये बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं, सियेरा लियोन से लाइबेरिया जा रहे हैं और जेनेमा से ये बॉर्डर क्रॉस करें, तो मैं कहूँगा बो में ही आप रुक जाना। बो इनकी सबसे बड़ी सिटी है फ्री टाउन के बाद सियेरा लियोन की, तो आप बो में ही रुक जाना। यहाँ का जो गेस्ट हाउस है वो, उसके हालात ठीक नहीं है, और रात को जो जो हुआ अंदर चल के ही दिखाता हूँ आपको। ये था भाई गेस्ट हाउस, और रात को यहाँ पर मेंढक इतनी तेज आवाज़ कर रहे थे कि शेर भी क्या करता होगा। हमने 2 रूम लिए थे, 1 में 3 लोग सो गए थे, 1 में मैं सो रहा था, और अभी ये कह रहा है कि 1 रूम के 140 दो, मतलब डबल मांग रहा है। आ जाओ इसका दिखाता हूँ, ये इनका बार है। रात को यहाँ पर सारी बोतलें बियर की पी के लोग मिलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। और ये था भाई स्वीट रूम, पता नहीं दिख तो नहीं पा रहा होगा, अंधेरा बहुत है, लेकिन मज़ा ही आया। देखो लाइट से दिखाता हूँ आपको, कुंडी लॉक ये लगा हुआ था बड़ा सा, लेकिन ये काम नहीं करता, काम करती है छोटी सी पिन। और मैं गया तो मैंने देखा फ्लश के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार फ्लश कैसे करेंगे इसको, तो कुछ नहीं, ये एक डब्बा दे गया, कह रहा यही ले ले, यही फ्लश है। उसके बाद रही सही कसर लाइट ने पूरी कर दी, 1 बजे लाइट चली गई, और
मैंने उसे बोला लाइट, कह रहा अब सुबह आएगी, गई लाइट, और कहता सो जा सोने का टाइम है। साथ वाले रूम में बज रहा है बहुत तेज डीजे, जैसे ही वो डीजे बंद हुआ दूसरे साथ वाले रूम से आवाज़ आने लग गई खराटों की। कमाल, कोतक है कोतक। तो कहीं से रात को खराटों की आवाज़ और कहीं से म्यूज़िक तेज़ हो जाता था। 1:30 बजे म्यूज़िक किसी ने चला दिया बहुत तेज़, खराटे आ रहे थे। उसके बाद जो मेंढक दहाड़ रहे थे शेरों की तरह, वो अलग। लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया उस चीज़ को, बड़ा मज़ा आ रहा था सोच सोच के कि यार क्या कोतक हो रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बाय रोड ही मिल सकते हैं और ये अफ्रीका में ही मिल सकते हैं शायद। ये वो अपनी बहन है और ये वो प्यारा सा बच्चा है। सलाम वालेकुम मामा। सलाम वालेकुम। ये मामा है, तीन लोग थे, मामा, सिस्टर, ये मेरी बहन जैसी, ये मेरा बेटा और एक वो मैडम। लेकिन इन्होंने मेरी भाई टेक केयर बहुत की। रात को कुछ भी बात थी बेचारे एक मिनट में कहते हमें तेरी चिंता है, तू कुछ भी हो आवाज़ मार दियो बस। मैंने कहा इतने भी डरने की ज़रूरत नहीं है, देख लूँगा कोई भी। तो भगवान आपके साथ होता है जब आप मदद करते हो। बताने का मतलब ये था कि आप भी मदद करो, जहाँ रास्तों में कोई मिल जाए जो कर सको। हालांकि मेरे पास लोकल करेंसी थी नहीं, मैंने हाँ भर दी। मैंने कहा चलो ड्राइवर को मैंने बोला तेरे को मैं मार दूँगा तो पहुँचा तो सही। तो लोकल करेंसी कितनी है कितनी नहीं मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन जब आप किसी की मदद करने के लिए निकलते हो तो भगवान अपने आप आपकी मदद करता है और आपके ज़रिए वो काम हो जाता है, हम बस जरिया बनते हैं। तो यस, जब भी हमें मौका मिलेगा हम मदद करेंगे किसी की भी। भाई इंडियंस वो होते हैं लाइबेरिया में बहुत, मतलब अच्छा खासा जो काम है वो इंडियन कर रहे हैं लाइबेरिया में, और कब्जा है पूरा कहते हैं ऐसा। बाकी जाके देखेंगे, 2-4 बड़ी बड़ी फर्में हैं इंडियंस की, उनका पूरा नाम चलता है वहाँ पर। रेटों की किलकिल होते हुए देखेंगे कहाँ फैसला निपटता है, क्या होगा। सेटल कर यार, कम ऑन, सेटल डाउन, यू आर अ गुड मैन, डोंट डू लाइक दिस। जब फॉरनर इन्वॉल्व हो जाता है ना कोई भी, तो इनको लगता है यार ये पैसे देगा, ये आपस में भी कहते हैं ये दे देगा पैसे। तो कोई अच्छा आदमी अगर आपके साथ हो, जैसे ये लेडीज हैं बेचारी, ये बोल रही हैं ये क्यों देगा भाई, तो मतलब इनको तो लगता ना है फॉरनर है ये पैसे देगा। तो कभी भी ऐसे किल्लत हो रही हो ना तो इनको करने दो आपस में, जब हो जाएगी आप जो भी सेटलमेंट हो बेशक वो दे दो, लेकिन सेटलमेंट इनको आपस में ही करने दो। ज़्यादातर जगह जहाँ पर आपको लगे कि आपके साथ जो लोकल है वो बंदा ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये लेडीज़ हैं ये ठीक हैं तो ये आपस में सेटल कर लेंगे, फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये भाई गांव का नज़ारा, पीछे जनेमा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे अरेबिक की क्लास लेते हुए सुबह सुबह। चलो भाई चलने का टाइम हो गया, थैंक यू ब्रदर। लाइबेरिया बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है, इमिग्रेशन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले तो वेलकम टू लाइबेरिया, वेलकम टू अनदर कंट्री, एंड ये मेरी 50वीं कंट्री है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 50th कंट्री पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए जिसकी वजह से घूम फिर पा रहा हूँ। बॉर्डर की बात करते हैं तो इमिग्रेशन जो था सियरा लियोन का, वहाँ हम पहुँचे, हमारे को कुछ भी नहीं पूछा, मतलब मेरे को मेरा सब कुछ कंप्लीट था उनके हिसाब से। बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, कभी भी आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं अफ्रीका में तो हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी आप लेके चलना। आप ये मत सोच के चलना कि फ़ोन में यह दिखा देंगे, नहीं, आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और एक और बात ट्रैवलिंग में बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी कंट्री में इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, आपके जब पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है तो आप प्लीज़ उस स्टैंप को ज़रूर चेक कर लें, ज़रूर से ज़रूर, कि उसकी डेट सही है और वो स्टैंप लगी भी है या नहीं। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरी साथी सवारियां थी उनमें से एक के पास, जो सियरा लियोन में जब उन्होंने एंट्री की थी तो स्टैंप नहीं थी उनके पासपोर्ट पे, और वो जो ऑफिसर था उन्होंने बोला भाई ये है नहीं स्टैंप, तो प्रॉब्लम होगी। अब खैर यहाँ तो सेटल हो जाता है, अफ्रीका में प्रॉब्लम का मतलब सेटलमेंट है, ठीक है। तो मेरे से भाई सियरा लियोन में कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोले मेरे को, सीधा स्टैंप मारी, कहते जाओ, फिर भी कुछ मन हो प्यार मोहब्बत से कुछ दे दो तो अलग बात है। बाकी सियरा लियोन में मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरी एंट्री के वक्त भी सियरा लियोन वालों ने, इमिग्रेशन ने कोई तंग नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं की।
अभी जब एंट्री की लाइबेरिया में, तो लाइबेरिया में एंट्री के लिए वीज़ा मेरे पास था। वीज़ा मैंने आपको बताया था प्रोसीजर, वीज़ा सिर्फ मैं एम्बेसी में गया था सियारा लियोन में, लाइबेरिया की एम्बेसी जो थी उसके अंदर, तो वहाँ पर मेरे को वीज़ा के $140 लिए और वीज़ा लगा दिया था, एक ही दिन में लगा के दे दिया था $140 में। वैसे $80 फीस है वीज़ा की, जो नॉर्मल फीस है उसमें आपको एक हफ़्ता 10 दिन में ये वीज़ा देते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए तो फिर वीज़ा मिलता है आपको $140 में। वीज़ा के अलावा पूछा गया कोविड सर्टिफिकेट और येलो फीवर सर्टिफिकेट, तो एंट्री के लिए भी और आउट के लिए भी हमसे येलो फीवर सर्टिफिकेट मांगा गया। जो बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें कहीं से नहीं मिल रही थी, वो मिल रही थी रूट की, तो बो से यहाँ बॉर्डर पे आया जाता है, ये बो वाटर साइड है। बॉर्डर पे हम आए, कैसे आए आपको सुबह मैंने बताया कि हमने रात को स्टे किया एक जगह पे बॉर्डर के बिल्कुल पास में, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुबह सुबह जर्नी करते हैं फ्री टाउन से, तो पहले आप बो आ सकते हैं, बो से फिर डायरेक्ट बॉर्डर की यहाँ पर आपको जो है टैक्सी मिल जाती है। अगर आप जर्नी ब्रेक करेंगे तो बो से बॉर्डर तक लगेंगे 110, मतलब 1,10,000 जो सियारा लियोन की करेंसी है वो, यानी कि लगभग बनेंगे 700 रुपये, ठीक है। और फिर यहाँ से जब आप बॉर्डर पे आ जाएंगे लाइबेरिया के, मोनरोविया तक जाने के लिए लगभग लगेंगे 1,30,000 सियारा लियोन की जो करेंसी है वो बनेगी लगभग 750 इंडियन रुपीज़। तो भाई ये तो हो गया यहाँ से पहुँचने का जो रास्ता था, और अब हम चलेंगे, कितनी देर लगती है यहाँ से बॉर्डर से हमें मोनरोविया पहुँचने में, जो कैपिटल है लाइबेरिया की। नाइस भाई, हाँ भाई की शॉप है, और लाइबेरिया को मिनी अमेरिका भी कहते हैं ये लोग, हर जगह अमेरिका का यहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। बच्चों से यार, बच्चे बहुत स्वीट होते हैं ना। मस्त लोग, अफ्रीका अच्छा मिस करेंगे भाई अफ्रीका को। मिस यू पीपल, थैंक यू, यू आर गुड पीपल, थैंक यू। हमने कुछ करेंसी एक्सचेंज कराई है, और इस करेंसी का नाम है लाइबेरियन डॉलर, और जो है US डॉलर, $1 का 150 लाइबेरियन डॉलर मिलता है, यानी कि 1 इंडियन रुपीज़ का मिलता है लगभग 1.85। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनकी और हमारी करेंसी में। ये 100 का नोट, 50 का होता है, 20 का होता है, 10 का होता है, आगे ऊपर वाले का भी पता नहीं 100 है। चेंजिंग भाई, अल्लाह बी विद यू। चलते हैं हम आगे मोनरोविया की तरफ। भाई कार में बैठ गए। मम्मा ऑल सेटल, हाउ मच यू पे? हाँ मम्मा, मम्मा यू आर अ बिग बिजनेस वूमेन। ये दिखा है कुछ हमें इंडियन फ्लैग, थैंक यू इंडिया। इस पे देखो क्या लिखा है, गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। वाओ इंडिया, ये कच्चा पेट्रोल भरवाते हैं यहाँ पर ना कारों में। यहाँ से लाइबेरिया का रास्ता है 158 किलोमीटर के लगभग, और 3 घंटे गूगल मैप दिखा।
एक स्टॉप आ गया है मम्मा का। मम्मा बाय बाय, आई लव यू विद यू। थैंक यू थैंक यू। इज योर grandson? Yeah. How are you? Good? You are leaving, huh? And buy something for him to drink. Thank you, yeah. Bye bye, love you. हम रुके हैं अभी टोटल फिलिंग स्टेशन पे, न्यू जॉय जंक्शन पे, और हमें जाना है आयरन फैक्ट्री। यहाँ से कोई मुझे लेने आ रहा है मित्र अपना। Thank you. Thank you. Bye bye. Samuel. Yeah, thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। तो दोस्तों ये था सार भाई, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, और यार बड़ा इमोशनल सा फील होता है जब आपके साथ कोई, कल से हम साथ थे लोग, एक एक करके सब उतरते गए, हम भी उतर लिए अब। हेलो ब्रदर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम मोहम्मद बैरिक। मोहम्मद बैरिक, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो भाई मोहम्मद भाई आ गए हैं और अपने यहाँ रहते हैं चिम्मा बाजी, तो चीमा बाजी के पास हम रहने जा रहे हैं। अब सारी है कि अपने तो लग गए $100, वो इसलिए लग गए कि हमने 3 सीट के पे किए थे, ठीक है, 25-25-25 करके। मैं इंडियन रुपीज़ में सीधी सीधी बताता हूँ, ठीक है, $100 लगे। लेकिन अगर आप आना चाहें फ्री टाउन से मोनरोविया तक, तो $40 से $50 में आया जा सकता है अगर आप सीधा सीधा आएंगे तो। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर जो है वो बंद हो जाता है शाम को 6 बजे, तो एज अर्ली सुबह आप निकल जाएं फ्री टाउन से, और 8 बजे बॉर्डर ओपन हो जाता है, तो 8 बजे से आप 6 बजे के बीच में बॉर्डर क्रॉस कर लें, तो फिर आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। जो टाइम लगा फ्री टाउन से बो तक लगे 4 घंटे, बो से फिर आगे जो बॉर्डर तक लगे 2-2.25 घंटे, और अभी जो टाइम लगा वो लगे लगभग 3.5-4 घंटे बॉर्डर से लेकर मोनरोविया तक। तो ये टाइम था, ऐसे थे जिनकी मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रही थी कि कितने रुपए कौन लेगा। मैंने बीच बीच में वीडियोस के आपको वो भी बता दिया, मोटा मोटा $50 में आप मोनरोविया पहुंच सकते हैं सिंगल सीट आप लेके आएंगे तो। अगर आप भाई कोई मिल गया और आप 2 सीट लेना चाहते हैं तो फिर वो पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, पहुँच गए हम, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।